जैसा आपको विदित है 27 नवंबर 2020 से किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहा है। वह उस आंदोलन के दौरान कई प्रकार की गतिविधियां हुई। 4 फरवरी 2021 को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान एक गूगल डॉक्यूमेंट टूलकिट के बारे में पता लगा जो ट्विटर पर शेयर किया गया था। इस टूलकिट के एक भाग में प्रायर एक्शन के नाम से कुछ एक्शन पॉइंट्स लिखे थे, जैसे 26 जनवरी और उससे पहले हैशटैग के द्वारा डिजिटल स्ट्राइक करना, 23 जनवरी से ट्वीट स्टॉर्म शुरू करना, 26 जनवरी को फिजिकल एक्शन। इसी डॉक्यूमेंट के दूसरे भाग में भारत के सांस्कृतिक धरोहर जैसे योग और चाय को हानि पहुंचाना और भारतीय दूतावास को टारगेट करने जैसे कार्य उल्लेखित है। इस टूल गिट में दिए गए समयबद्ध एक्शन पॉइंट और कार्यक्रम को जब दिल्ली में घटित वास्तविक घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में देखा गया तो बात प्रत्यक्ष रूप से दिखी कि दिए गए एक्शन प्लान को हुबहू निष्पादित किया गया और अमल में लाया गया। इन सभी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने FIR नंबर 49/21 दर्ज की और साइपेट द्वारा इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जांच के दौरान इस टूल किट के ऑनलाइन मौजूद स्क्रीनशॉट्स की पड़ताल की गई और जांच में पर्याप्त जानकारी मिलते ही इस टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट की एडिटर निकिता जेकब के विरुद्ध कोर्ट से सर्च वारंट जारी कराकर केस के आईओ समेत एक टीम को मुंबई भेजा गया और तलाशी के दौरान उनसे 2 लैपटॉप और 1 iPhone मिले। जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ दालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनित के जरिए निकिता जेकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया जिसको निकिता शांतनु एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। यहां तक कि एक किसान की मौत को भी गोली से हुई मौत बताया गया। सर्च में यह भी बातें सामने आई कि निकिता और उसके साथी शांतनु और दिशा ने टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट बनाया था। शांतनु का बनाया गया ईमेल अकाउंट इसका ओनर है और यह भी बात निकल के आई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे ये सभी, जो कि 6 दिसंबर को क्रिएट किया गया था। बेंगलुरु टीम में दिशा को इंटरोगेट किया गया और उसके फोन से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सफलता मिली। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। दिशा की जो फ्रेंड फॉर फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी है, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। शुरुआती जांच में यह भी बात पता चल रही है कि फोन का काफी डेटा डिलीट किया जा चुका है और दिशा के टेलीग्राम चैट से यह भी बात पता चलती है कि 3 फरवरी को ओनर्स राइट लेकर टूल किट डॉक्यूमेंट से जुड़े अकाउंट और लिंक हटा दिए गए हैं। इन तथ्यों के आधार पर दिशा को 13 फरवरी को बेंगलुरु से उनकी माता और लोकल थाने के SHO की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया। घर वालों और उनके वकील अभिषेक शेखरी को यह बताया गया कि अभियुक्त को दिल्ली ले जाया जा रहा है। वह दिल्ली लाकर प्रोसीजर के मुताबिक उनका मेडिकल कराया गया और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में अभियुक्त पक्ष को रखने के लिए वकील मौजूद थे और यह बात कोर्ट के ऑर्डर में भी अंकित है। निकिता जैकब और शांतनु के लिए, क्योंकि वे नहीं मिल पा रहे हैं और NPW जो है वो इशू कराए गए हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस में है। सर, व्हाट एग्जैक्टली ग्लोबल आंदोलन और
शांतनु बेसिकली ग्रेजुएट इंजीनियर हैं और बीड में रहने वाले हैं। ये पुणे में भी इनका एक रिहायशी स्थल है। ये एक एनजीओ एक्सआर चैप्टर से जुड़े हुए हैं जिसमें निकिता भी जुड़ी हुई है। एक्सआर टोल किट इज ऑलरेडी स्टडीड विद द डॉक्यूमेंट रिलीज बाय द पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन एंड इट इज खालिस्तानी एनजीओ बेस्ड। Pardon? The organization which is already behind this toolkit is a banned organization. Sir, इस investigation का एक बड़ा part Canada में है, विदेशों में। उसके लिए दिल्ली पुलिस अब क्या कोशिशें करेंगी उससे पूछताछ के लिए, इंटेलिजेंस जारी करने के लिए, क्योंकि आप धालीवाल का नाम ले रहे हैं। सर, जो प्रोसीजर के मुताबिक हमें पावर्स अवेलेबल है उनका इस्तेमाल किया जाएगा इनको इस केस में तफ्तीश ज्वाइन कराने के लिए। मकसद ये था कि टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड के जो हमारे एम्बेसीज बाहर इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर है उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। और इसलिए जो भी बड़े जैसे इनकी फॉलोइंग ज़्यादा है उनको इसमें रोप इन किया गया। अभी ऐसा कोई तथ्य जानकारी में नहीं आया। पीटर फेडरिक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस प्लान को बनाया है कि ये हैशटैग किस तरह से रन करने हैं, इसमें किसको टैग करना है।